अय्यूब की पुस्तक अध्याय 15। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 15। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे, वह अपने अंतकरण को पूर्वी पवन से भरे? क्या वह निष्फल वचनों से वा व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे, परंतु भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर का ध्यान करना औरों से छुड़ाता है? तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठता सुनता था? क्या बुद्धि का ठीका तू ही ने ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है कि जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में तो पक्के बाल वालों और अति पूर्णीय मनुष्य है, जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के है। परमेश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल है, क्या ये तेरी दृष्टि में तुच्छ है? तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है और तू आंख से क्यों सहन करता है? तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकलने देता है। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है क्या कि निर्दोष हो सके? देख, वह अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है, जो कुटिलता को पानी की नाई पीता है। मैं तुझे समझा दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा है उसी का वर्णन मैं करता हूं, वे ही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरखाओं से सुनकर बिना छिपाए बताया है। केवल उन्हीं को देश दिया गया था और उनमें उनके मध्य में कोई विदेशी आता जाता नहीं था। दुष्टजन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। उनके कान में डरावना शब्द गुंजता रहता है। कुशल के समय भी नाशक उस पर आ पड़ता है। उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है। वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहां मिलेगी। उसे निश्चय रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है। संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता रहता है। ऐसे राजा की नाई जो युद्ध के लिए तैयार हो, वे उस पर प्रबल होते हैं। उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल ठोकता है और सिर उठाकर और अपनी मोटी मोटी ढाले दिखाता हुआ घमंड से उस पर धावा करता है, इसलिए कि उसके मुंह पर चिकनाई छा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है और वह उजाड़े हुए नगरों में बस गया है और जो घर में रहने योग्य नहीं और खंडहर होने को छोड़ गए हैं उनमें बस गया है। वह धनी न रहेगा और न उसकी संपत्ति बनी रहेगी और ऐसे लोगों के खेत की उपज भूमि की ओर न झुकने पाएगी। वह अंधियारे से कभी न निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएगी और ईश्वर के मुंह की सांस से वह उड़ जाएगा और वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों का भरोसा न करे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। वह उसके नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा। उसकी डालियां हरी न रहेगी, दाग की नाई उसके कच्चे फल झड़ जाएंगे और उसके फूल जलपाई के वृक्ष के से गिरेंगे, क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ न बन पड़ेगा और जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे। उनके उपद्रव का पेट रहता और अनर्थ उत्पन्न होता है और वे अपने अंतकरण में छल की बातें गढ़ते हैं।